एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इस वक्त की सबसे बड़ी खबर में। आपको बता दें, पंचायत इलेक्शन 2021 की तारीख को लेकर एक बिल्कुल ताजा खबर निकल कर आ रही है कि पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान। जानिए आपके जिले में कब कब होगा मतदान। तो चलिए जानते हैं कि किस जिले में किस तारीख से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी और नामांकन की प्रक्रिया किस तारीख से शुरू होगी, कब से लगेगी आचार संहिता, कब आएंगी मतगणना और नतीजे। इस वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी। वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पर आए हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में निर्वाचन आयोग ने आज पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 4 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। 15 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा, दूसरे चरण 19 अप्रैल, तीसरा चरण 26 अप्रैल और चौथे चरण का चुनाव 29 अप्रैल को होगा। सीतापुर के 3, बैराज की 1, गोंडा जिले की 9 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने के कारण वहां चुनाव नहीं होगा। सभी 18 मंडल के 1-1 जिले में पहले चरण का चुनाव होगा। 2 मई को मतगणना होगी। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ यूपी में आचार संहिता लग गई है। चलिए जानते हैं कि आपके जिले में कब कब होगी वोटिंग। तो आपको बता दें, 3 अप्रैल से शुरू होगी पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया। दूसरे चरण में 7 अप्रैल से 8 अप्रैल तक नामांकन प्रक्रिया की जा सकेगी। तीसरे चरण में 13 अप्रैल से 15 अप्रैल तक नामांकन होगा। चौथे चरण में 17 अप्रैल से 18 अप्रैल तक नामांकन होगा। वहीं आपको बता दें कि 15 अप्रैल को पहले चरण में इन जिलों में मतदान होगा: सहारनपुर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, हाथरस, आगरा, कानपुर नगर, झांसी, महोबा, प्रयागराज, रायबरेली, हरदोई, अयोध्या, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, जौनपुर और भदोही। 19 अप्रैल की अगर बात करें तो 19 अप्रैल को दूसरे चरण में इन 20 जिलों में मतदान होगा: मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, अमरोहा, बदायूं, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, गोंडा, महाराजगंज, वाराणसी, आजमगढ़। अगर 26 अप्रैल के चरण की अगर बात करें तो 26 अप्रैल को दूसरे चरण में इन 20 जिलों में मतदान होगा: शामली, मेरठ, मुरादाबाद, पीलीभीत, कासगंज, फिरोजाबाद, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, उन्नाव, अमेठी, बाराबंकी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, चंदौली, मिर्जापुर और बलिया। अगर 29 अप्रैल को चौथे चरण की अगर बात करें तो 29 अप्रैल को चौथे चरण में इन 17 जिलों में मतदान होगा: बुलंदशहर, हापुड़, संबल, शाजापुर, अलीगढ़, मथुरा, फर्रुखाबाद, बांदा, कौशाम्बी, सीतापुर, अम्बेडकर नगर, बैराज, बस्ती, कुशीनगर, गाजीपुर, सोनभद्र, मऊ में मतदान होगा। चलिए अब जानते हैं कि ग्राम पंचायतें कितनी हैं और कितने हैं क्षेत्र पंचायत वार्ड और मतदान केंद्रों की कितनी है संख्या, मतदाताओं की कितनी है संख्या। तो आपको बता दें, ग्राम पंचायत की संख्या 58,189 है। ग्राम पंचायत के वार्ड की अगर बात करें तो 7,32,563 हैं। क्षेत्र पंचायत की अगर बात करें तो 826। क्षेत्र पंचायत के वार्ड की अगर बात करें तो 75,855। जिला पंचायत की अगर बात करें तो 75। जिला पंचायत के वार्ड की अगर बात करें तो 3,051। मतदान केंद्रों की संख्या की अगर बात करें तो 80,762 है। मतदान स्थल की अगर बात करें तो 2,03,050। मतदाताओं की संख्या की अगर बात करें तो 12.39 करोड़ है। वहीं पुरुष मतदाता की अगर बात करें तो 53.1%, महिला मतदाता की अगर बात करें तो 46.99%। वीडियो के आखिर में आपको बता दें कि यूपी के सभी 18 मंडल के 1-1 जिले में पहले चरण का चुनाव होगा। 2 मई को काउंटिंग होगी और नतीजे आएंगे। चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही पूरे यूपी में आचार संहिता लग गई है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ताजेतरीन खबरों के लिए चैनल को